2024 का लोकसभा चुनाव जैसे ही नजदीक आ रहा है, देश भर में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ रही हैं। लेकिन यह गर्माहट सबसे अधिक बिहार में देखी जा रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपनी पकड़ बनाना चाहती है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि 2024 में बिहार में भारतीय जनता पार्टी को यदि अधिक सीटें मिली तो इसका सीधा असर 2025 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा, जहां बीजेपी बिहार में अपनी सरकार बनाने को आतुर है। देश के लगभग हर हिस्से में भारतीय जनता पार्टी अपना परचम फहरा चुकी है, लेकिन बिहार बार बार हाथ से निकल जाता है। लोकसभा चुनाव को लेकर 25 फरवरी को दो बड़ी राजनीतिक रैलियां हो रही हैं। एक तरफ पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में महागठबंधन की महारैली, तो वहीं लौरिया में अमित शाह की रैली है। दिशा दोनों रैलियों की भले ही अलग हो, पर दोनों रैलियों का मकसद एक है, बिहार में अपनी मजबूती दिखाना। एक रैली में जहां भाजपा के दिग्गज अमित शाह रहेंगे, तो वहीं दूसरी रैली में नीतीश कुमार, तेजस्वी और मांझी जैसे दिग्गज उपस्थित रहेंगे। अब देखना बाकी है कि दोनों रैलियों का असर बिहार की जनता पर कितना होता है। प्रभात वार्ता की विशेष रिपोर्ट।